अब तो लगा भाई अरे भाई साहब परेशान मत कीजिए, वहां से निकलिए। बधाई हो भाई साहब, आपको बेटी हुई है। भाई साहब आप खुश नहीं लग रहे, क्या आपको बेटा चाहिए था? ऐसी बात नहीं है, फटे हुए कपड़ों में जलने वाली चमड़ी की जलन हम तो सह कर लेंगे, मगर इस भूखे पेट की जलन मेरे दिल को जला के राख कर देगी। पेट काट कर जीने की आदत पड़ गई है हमें, मगर इस नन्हे भूखे पेट को चुप कराना मेरे बस की बात नहीं। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई सवाल पैदा नहीं हुआ है। हाँ, मगर तुम्हारे सवालों का जवाब है मेरे पास, जो तुम्हारे बेटे का पूरा खर्चा उठाएगी। सुकन्या योजना का नाम सुना है? तो फिर किसी पास के दफ्तर में जाके पूछ लेना, तो पूरी जानकारी दे देंगे। नहीं नहीं सर, चेक कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में कॉल करके बताओ। आपने वो कल दिया था ना? एक मिनट है सर, सुगंधा मोरे। सर मैं आपको 20 मिनट में कॉल करता हूँ। साहब जी, ओके सर, हाँ सर ठीक है, ओके ओके। बोलो। ओ बेटी के खर्चे के बारे में कुछ योजना? बराबर है, उसके लिए कुछ कागजात लाए हो? हाँ लाया हूँ। बताओ। ये लो सब्जी। आधार कार्ड बताओ। आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं है आपके पास? हाँ। आधार कार्ड के ऊपर ही आपको जैसे सुकन्या योजना है, एलपीजी सब्सिडी है, जनधन योजना है, किसान कर्ज माफी की योजना है, ये सब आपके खाते में जमा होती है। एक आधार कार्ड नहीं है तो आपको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आज ही जाके तुरंत अपना आधार कार्ड निकलवाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार इसके ऊपर कोई शुल्क नहीं लगाती। ठीक है, तो मेरे बेटी का? हाँ हाँ ठीक है, जाओ आप। पर मेरा काम तो हो जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है चलता हूँ। अजी सुनती हो, मेरा आधार आ गया, अब सब सपने पूरे होंगे।